श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान को लेकर रविवार को मातृ शक्ति द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा जिस रास्ते से निकली, इसमें शामिल झांकियों को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। इस दौरान गगन भेदी नारों, रामलला हम आएंगे, मंदिर जन्मभूमि पर बनाएंगे से माहौल गुंजायमान रहा। आपको बता दें, शोभा यात्रा का शुभारंभ गजानन गणपति के पूजन अर्चन के बाद महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज परिसर से हुआ। इसके पहले प्रांत प्रचारक सुभाष जी ने शोभा यात्रा में शामिल मातृशक्ति को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति को निधि समर्पण अभियान में मनायोग से लगने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि मातृशक्ति के संबल से यह अभियान ऐतिहासिक रूप से सफल होगा। इस दौरान प्रांत प्रचारक ने मातृशक्ति से घर घर जाकर इस अभियान को लेकर जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। इस दौरान शोभा यात्रा महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से निकलकर अंबेडकर चौक, शास्त्री चौक, घोष कंपनी, गोलघर होते हुए फिर कॉलेज के परिसर में पहुंचकर संपन्न हुआ। शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर और गगनभेदी नारों के साथ स्वागत किया। शोभा यात्रा में सरस्वती शिशु मंदिर, पक्की बाग, सरस्वती विद्या मंदिर, दुर्गाबाड़ी, सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज सूरजकुंड, विवेकानंद सेवा मिशन, दुर्गा वाहिनी, दिग्विजयनाथ डिग्री कॉलेज, सहकार भारती, विद्या भारती, सेवा भारती, संस्कार भारती और भाजपा से जुड़ी छात्र, आचार्य और महिलाएं शामिल हुई। इसमें प्रमुख रूप से जिला सह अभियान प्रमुख दक्षिणी भाग गोरखपुर महानगर प्रोफेसर सुषमा पांडे, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष मनीषा चतुर्वेदी, विभाग सहचालक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल, विभाग कार्यवाह आत्मा सिंह सहित अन्य लोग शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर के मठ पुरोहित रामानुज त्रिपाठी और भाग अभियान प्रमुख दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, क्योंकि 500 साल का हम लोगों का यादगार पल अब आ गया है और हम लोग आज इसमें हैं। आप सभी से आग्रह निवेदन, खुद की अनुशासक बनिए, खुद के अनुशासन को कायम रखिए और खुद आगे बढ़ते हुए एक महिलाओं के सम्मान को और भी आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान राम के जो दृष्टि है वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम की दृष्टि है। भगवान राम की जो दृष्टि है वो एक धर्म की स्थापना करने वाले श्रेष्ठतम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनका आचरण इतना श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ दृष्टि है। इसलिए बंधुओं, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनें, हम सब लोग इस कार्यक्रम में जो इकट्ठे हुए हैं वो समाज को एक दृष्टि देने के लिए जाने वाले हैं। आज पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर भगवान राम के नाम की जय जयकार हो रही है, भारत माता की जय जयकार हो रही है। समाज बदल रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है। हम एक बदले हुए समाज के माध्यम से एक अच्छा मजबूत देश बनाना चाहते हैं, जिसमें सब मिल के रहें, सब एक साथ चलें, एक साथ बढ़ें, सबके अंदर भगवान राम के विचार, उनका व्यवहार जैसा था उस प्रकार का आचरण अपने जीवन में उतारें। इस प्रकार से सारे समाज को जगाने के लिए, सबको अपना बनाने के लिए, सारे भेदों को समाप्त करने के लिए, सबको समरस करने के लिए हमारी ये शोभा यात्रा निकली है। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर बने, सब लोग, देश के प्रत्येक व्यक्ति जो राम को अपना पूर्वज मानते हैं, जो राम को अपने आप को उनका वंशज मानते हैं, ये सब लोग एक साथ मिलकर के खड़े हो, पूरा देश खड़ा हो, पूरा देश खड़ा हो करके दुनिया के सामने हम सब राम की संतान हैं, राम हमारे पूर्वज हैं, इस प्रकार से एक संदेश पूरे देश को देने के लिए। और आज की हमारी यात्रा पूरे गोरखपुर महानगर में गोरखपुर वासियों को संदेश देने के लिए है। इस यात्रा के माध्यम से पूरे देश में एक बड़ा संदेश जाएगा। घर घर में सब लोग खड़े होंगे, राम मंदिर सब लोग मिलकर के बनाएंगे। आज बड़ी प्रसन्नता है, आज बड़ा आनंद का दिन है, इसलिए आपकी इस यात्रा को मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। एक बार दोनों हाथ आप लोग ऊपर उठाइए और मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, आपस की बात बंद करिए, मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, क्या बातें कर रहे हो,
इनको जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए एक साथ, मेरे साथ बोलना है, तीन लोग धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं, आज मनोकामना फली, राम जी की सेना चली। मेरे साथ बोलना, तीन लोग देवता, आज मनोकामना, राम जी की सेना, राम जी की सेना, राम लगाएंगे सभी के घर में, सभी को जगाएंगे, सभी को जगाएंगे। बोले मंदिर वही, मंदिर भव्य, मंदिर भव्य बने, सबके मन की अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो। हमारी बहनें अपनी शोभा यात्रा के गणपति को हवा महे प्रिया वंदना प्रिया महे कशो नम रास्ता दीजिए भाई है गजराज के पीछे। यात्रा का शुभारंभ हो चुका है, हम सब लोगों को यात्रा में कुछ सावधान चलेगा कोई।
मेरा नाम रामानुज त्रिपाठी, मठ पुरोहित गोरखनाथ मंदिर। शोभा यात्रा इस एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा है। हमारे देश में जो राम कृष्ण भगवान शंकर के मंदिर जो जबरदस्ती कर कब्जा कर लिया था, उसको जो है मस्जिद का रूप दे दिया था, वह बहुत भयंकर युद्ध के बाद आज हमारे हिंदुओं को आज़ादी मिली है। मंदिर बनाने का वह इजाज़त मिली है। उस इजाज़त को क्रियान्वयन करने के लिए, सभी हिंदू को जागृत करने के लिए यह शोभा यात्रा निकली है कि हर हिंदू 10 रुपया 5 रुपया का योगदान इस मंदिर बनाने में करे। ये न हो कि यह मंदिर पूंजीपतियों द्वारा बनाया जा रहा है, इसलिए हमारे संघ के लोगों ने यह निश्चित किया है कि इसको हर घर घर से कुछ चंदा लेकर के इसमें लगाया जाए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री की भी यही इच्छा है कि हर घर से इसमें चंदा जाए और सबकी सहभागिता इसमें हो। इसी उद्देश्य से यह जन जागरण के माध्यम से शोभा यात्रा निकाल करके सभी हिंदुओं को जागृत किया जा रहा है। दुर्गेश त्रिपाठी, भाग अभियान प्रमुख, आज गोरखपुर महानगर में अयोध्या जी में होने वाले भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार परिवार जो आंदोलन चला रहे हैं, उसी क्रम में आज माताओं बहनों के जनजागरण के लिए आज विचार परिवार के समस्त माताओं बहनों ने आज भव्य शोभा यात्रा निकाली है। आज माताएं बहनें दुर्गा और रानी लक्ष्मीबाई के रूप में इस यात्रा में शामिल है। उनका ये हिंदू समाज को अनुरोध और निवेदन है कि हिंदू समाज जागृत हो और अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दे, अपने इतना